हाँ जी, वेलकम वंस अगेन। अगला टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा को हमने चार भागों में बांटा है। पहली है आदेश मुद्रा, दूसरी है न्यास मुद्रा, तीसरा पूर्णकाय मुद्रा, चौथी है साख मुद्रा। पहली बात तो आदेश मुद्रा क्या होती है? तो आदेश मुद्रा का मतलब है वो मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है, यानी कि ऑल कॉइंस एंड नोट्स, सारे जितने भी सिक्के हैं और सभी नोट्स, वो सब क्या है? वो आदेश मुद्रा है, क्योंकि वो सरकार की या आरबीआई के आदेश से चलते हैं। सरकार उनको छापती है और जनता में इशू कर देती है। न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता, यानी कि जो देने भुगतान करने वाला है और जो रिसीव करने वाला है, उनके बीच विश्वास पर आधारित है। जैसे कि चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट भी बोल सकते हो। अब ये क्या है? चेक का मतलब क्या होता है? मैंने किसी व्यक्ति को चेक काट के दे दिया, इसका मतलब ये हुआ मैंने उसको पैसे दिए, वो जाके चेक अपने बैंक में जमा कराएगा तो वो पैसे उसके बैंक में आ जाएंगे। लेकिन क्या वो चेक पैसे? नहीं, पैसे बाद में उसके बैंक में आएंगे, बट वो विश्वास है, वो ट्रस्ट है कि हाँ वो चेक मिल गया, इसका मतलब पैसे मिल गए। इस तरह की जो मुद्रा होंगी वो आपकी न्यास मुद्रा कहलाती है। तो आदेश मुद्रा जो सरकार के आदेश से चलती है, न्यास मुद्रा जो प्राप्तकर्ता अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होती है। नंबर थ्री, इसको समझने से पहले मैं इसको समझो। एक होता है मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, एक होता है वस्तु मूल्य। मौद्रिक मूल्य का मतलब है जो मुद्रा पर छपा होता है, अंकित मूल्य भी कह सकते हो उसको, अंकित मूल्य। मतलब अगर 5 रुपए का नोट सिक्का है तो उसमें 5 रुपए छपे हुए ना, वो उसका अंकित मूल्य। लेकिन वस्तु मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु की मुद्रा बनी है, जिस धातु की मुद्रा बनी है, उसकी कीमत क्या है? उसका क्या मूल्य है? उसका बाजार मूल्य। मतलब अगर मैंने सिक्का लोहे का बना रखा है या गिलेट का बनाया है या चांदी का सिक्का है, तो उसकी कितनी वैल्यू है? उस पेंटिंग को हम हटा के अगर चांदी को बेचते हैं या लोहे को बेचते हैं तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, वो मुद्रा का वस्तु मूल्य कहलाता है। ठीक है जी, जो छपा हुआ है वो अंकित मूल्य और जिसकी मुद्रा बनी है वो वस्तु मूल्य। अब यदि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य उसकी वस्तु मूल्य के बराबर हो, मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर हो, तो उसे हम कह देते हैं पूर्णकाय मुद्रा। जैसे पहले 1 रुपए का चांदी का सिक्का होता था, तो उसका जो मौद्रिक मूल्य है वह 1 रुपए, बाजार में उसका 1 रुपया मिलेगा। और अगर आप उसकी पेंटिंग हटा के उस चांदी को भी बेचोगे ना, तो वो 1 रुपए की जाएगी। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ? मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य दोनों बराबर हो गए। साख मुद्रा में क्या होता है? मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो ज्यादा होता है उसके वस्तु मूल्य। अब जितने भी नोट्स हैं, 2000 का नोट्स है नया नया आया मार्केट में, उसकी पेंटिंग हटा के उसको बेचोगे, क्या वो 2000 का, मतलब 2 रुपए का मिलेगा कोई? इसका मतलब मौद्रिक मूल्य तो ज्यादा है लेकिन वस्तु मूल्य कम है। तो ये क्या हो गई? साख मुद्रा हो गई। और कभी भी मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से कम नहीं हो सकता। अब 1 रुपए के सिक्के में अगर 5 रुपए का या 50 रुपए का सोना लगा है तो उसके प्रिंटिंग हटा के लोग सोने बेच देंगे ना बाजार में, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, शुरू में 10 के नोट लाने लगे थे सारे, वो कुछ में चांदी वाली का चक्कर था, कुछ ऐसा था, 10 के नोट, 10 के सिक्के। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मुद्रा की बातचीत ना करें, मुद्रा की पूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। तो देखो, मुद्रा की पूर्ति का मतलब है जनता के पास कितनी करेंसी है, जो भी हमारी पब्लिक है एक लेखा वर्ष में या एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, समय किसी बिंदु पर, एक टाइम पर मार्केट में कितना पैसा है लोगों के पास, वो जनता के पास करेंसी कहलाती है, मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। तो इसके माप होते हैं कई सारे, एक M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। बेसिकली M1 ही आपके एग्जाम में आता है, बाकी और नहीं आते। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, जनता के पास करेंसी प्लस जनता की मांग जमाए प्लस में रिजर्व बैंक की अंदर जमाए।
बाकी इसके एम टू एम थ्री एम फोर माप है, एग्जाम में आते नहीं है, बेसिकली एम वन ही आता है। पढ़ना चाहो तो मैंने पीछे दिखा रखे उसे पढ़ लेना। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, कौन करता है, उस पर भी आते हैं। ठीक है, फटाफट से देखो। हाँ जी, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है इंडिया के अंदर? मुद्रा की पूर्ति करता है आरबीआई प्लस करता है वित्त मंत्रालय। सारे नोट एंड सिक्के, जितने भी सारे सिक्के हैं नोट, इसमें एक रुपए का नोट है वो सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। अगर आप देखो तो सिक्के पर या एक रुपए के ऊपर लिखा होगा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और बाकी सारे नोट जो है अन्य सभी नोट यानी कि दो रुपए या उससे अधिक का नोट वो सब आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। तो उस पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूत। इसको अपने पास 115 करोड़ का रिजर्व रखना होता है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड सोने के रूप में, बाकी मुद्रा बाजार में जारी कर सकता है, इशू कर सकता है। उसके अलावा यहाँ से एक चीज और आती है, एक होती है मांग जमाएं और दूसरी होती है सावधि जमाएं। मांग जमाएं क्या होती है? मांग जमाओं का मतलब है वो पैसा, लोगों का वो पैसा जिसे वो बैंक से कभी भी निकलवा सकते हैं। तो जो मांगने पर दें वो मांग जमाएं, जैसे कि आपकी सेविंग बैंक में जमाएं, डाकखाने में कुछ पैसा जमाएं, करंट अकाउंट है आपका, तो आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हो। दैट इज अवर डिमांड डिपॉजिट, मांग जमाएं। सावधि जमा का मतलब होता है जो आपने एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में फिक्स कर दिया है, जमा करा दिया है कि ये पैसा इतने टाइम के लिए आप रख लो, बाद में आपसे ले लूंगा, तो इसको उस अवधि के बाद ही निकाल सकते हैं। तो मांग जमा पर जो ब्याज होता है वो आमतौर पर थोड़ा कम होता है, 4% या 5% 6% तक का। सावधि जमा पर एफडी पर ब्याज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर के लिए एग्जाम में आ सकता है। बस इसके साथ ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है, फिनिश। टाटा बाय।